My dear students, today we are going to continue with organic chapter जो हम लोग कर रहे थे basic concepts of organic chemistry. In the last lecture I taught you all about some common names, their structures and also their IUPAC names. And rules तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया था तो अभी rules मैं again discuss नहीं करूँगी, but I will discuss some of the rules for naming alicyclic compounds only. What are alicyclic compounds? मैंने जब chapter पढ़ाया था तब मैंने distinguish किया था between what? Aromatic and alicyclic compounds. जो basically जो straight chain compounds होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? If you all remember, open chain और acyclic compound. ये जो straight chain compound होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड. इसको तो हम स्ट्रक्चर, इसका आयुपैक नेम कर चुके हैं. अब हम क्लोज चेन या साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स पे फोकस करेंगे, राइट? उसमें मैंने कहा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. जो होमोसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन के अंदर होमो मतलब सेम टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, सेम टाइप के यानी कि कार्बन कार्बन ही लगे होंगे, कोई दूसरा नाइट्रो ग्रुप या एस या एन इस टाइप के कंपाउंड्स को हम हिट्रो में लाएंगे, है ना. ये हिट्रो में होगा और ये होमो में होगा, राइट? ये होमो में सेम कार्बन है. लेकिन एलिसाइक्लिक में भी दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक में भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक. इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी नेम का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करो, दीज आर द कंपाउंड दैट कंटेन रिंग ऑफ थ्री और मोर कार्बन एटम. यानी कि यहाँ पे मेन जो क्राइटेरिया है, तीन कार्बन तो चाहिए ना, एक सर्कल बनाने के लिए तीन कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, है ना. तो साइक्लो, तभी तो उसको साइक्लो बोलते हैं. जैसे इसका नाम क्या होगा, ये जैसे है साइक्लोप्रोपेन, तो रूल मैं बताऊंगी. ओके, दे एंड पोजेस प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड. बस इतना लिखना है, तो मैं प्रेफिक्स में साइक्लो लिखना है. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? दीज कंपाउंड ऑल्सो पोजेस वन और मोर रिंग्स, लेकिन यहाँ पे मेन क्राइटेरिया क्या है, द रिंग्स मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स बट द रिंग्स आर ऑफ स्पेसिफिक टाइप कॉल्ड बेंजीन रिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स थ्री से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए, थ्री कार्बन और मोर, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में और मोर एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि बेंजीन रिंग. और इनको भी आज मैं डिस्कस करूँगी, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड के. बेंजीन रिंग ऐसे बनाया जाता है, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसी बेंजीन रिंग पे जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स फिर लगा के इसका नोमेनक्लेचर बदल जाता है. बट क्राइटेरिया तो सेम है ना, कि ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन रिंग तो है, इधर भी बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग है, मतलब एक तो होना चाहिए कम से कम, दो तीनों वो अलग बात, लेकिन एक बेंजीन रिंग तो होना चाहिए. अब बेंजीन रिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस मूव फर्दर. नाउ मूविंग फर्दर हियर आर द कंपाउंड्स एंड देयर लेट अस ट्राई टू नेम देम. सो नाउ लेट अस ट्राई सम फ्यू एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से ही स्टूडेंट्स रूल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे तीन कार्बन का कंपाउंड है, तीन यानी कि प्रॉप है ना, तो लेकिन साइक्लो है इसलिए इसको हमें क्या लिखेगा, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, C3H6. क्या होगा कंडेंस फॉर्मूला? C3H6 है ना. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका सिर्फ बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाएं, ठीक है, डन. अब यहाँ पे बताइए मुझे, इस पे देखिए ऐसे भी दे देना बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम से इस साइड पे इसका बॉन्ड लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है. अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट यानी कि साइक्लोपेंटेन. ईजी है कि नहीं? बहुत ईजी है. नेक्स्ट वाला बताइए, साइक्लोब्यूटेन है, फिर साइक्लोहेक्सेन है. अब इसको प्रैक्टिस आप लोग करिए. यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होगा तो वो बेंजीन रिंग नहीं होगा. बेंजीन रिंग होने के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने ज़रूरी है. तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले तो आप लोग को वो एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है या
एलीसाइक्लिक है, इन तीनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, फिर नोमेनक्लेचर करो। तो ये एक एलीसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा जल्दी बताइए? साइक्लो ब्यूटीन, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो, क्योंकि मेथ एच प्रॉप ब्यूट पेंट पेंटीन। फिर बताइए साइक्लो हेक्सेन। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देख के बेंजीन रिंग बोल जाते हैं, बाबा डबल बॉन्ड है कहाँ अल्टरनेट ना, या तो डबल बॉन्ड होगा तो बेंजीन रिंग है इस तरह अल्टरनेट डबल बॉन्ड, या ऐसा होगा, ठीक है? ये दोनों बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक एलीसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन, हेक्सेन हेक्सेन है। अगर डबल बॉन्ड होता भी एक तो वो हेक्सीन बन जाता, ठीक है? दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या है? साइक्लो ऑक्टेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं इसलिए एन, साइक्लो ऑक्टेन। यहाँ पे बताइए ये साइक्लो ऑक्टीन, साइक्लो ऑक्टीन, साइक्लो ऑक्टीन। तो समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? आगे बढ़े तो रूल्स फॉर नेमिंग, तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूटेड है ये, अभी तो सिंपल वाला आप लोगों ने नेम कर लिया, अगर सब्स्टिट्यूटेड वाला हो तो मैम क्या करोगे? अगर सब्स्टिट्यूटेड वाला हो सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर सब्स्टिट्यूटेड एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो यहाँ पर ये क्या है? मिथाइल साइक्लो क्या हेक्सेन, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन लिखो, मिथाइल ये क्या होगा, ये क्या होगा? पहले मैंने कहा सब्स्टिट्यूएंट लिखो, इथाइल साइक्लो हेक्सेन, आगे बढ़िए ये क्या होगा? क्लोरो पेंटेन। अब क्योंकि क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो आता है ना आप लोगों को, पहले वो वीडियो ज़रूर देखे इस, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है आप लोग जो भी कर रहे हो। क्लोरो साइक्लो पेंटेन, क्योंकि पांच कार्बन है, ठीक है? अब एक और रूल है, एक और रूल ये है, इफ़ टू और मोर देन टू अल्काइल ग्रुप्स और अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, है ना, दो अल्काइल या उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है रिंग में, द पोजिशन आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स, व्हाट आर दिस, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, व्हाइल नंबरिंग द कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग, द सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन द लोएस्ट नंबर प्रोवाइडेड इट डज नॉट वायलेट द लोएस्ट सेल्फ ऑफ लोकंट रूल। लोकंट रूल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तुम्हें सम ऑफ जो नंबर जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है, इधर से भी देखना, जैसे 1 और 4 पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी ले सकते हो। अगर इस तरफ से लोगे तो क्या होगा, 1 और 3 पोजीशन पे तुम्हें ऐड करोगे, अगर इस तरफ से लोगे 1 और 4 पोजीशन पे ऐड करोगे, तो जो बेटर होगा वो आपको लोएस्ट ब्रोकन रूल के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे आपको इस साइड से लोगे क्या उस साइड से लोगे, दूसरी नंबरिंग में रेड से करके दिखाती हूँ, देखो ये 1, 2, 3, 4 तो 1 और 3, 1+3 भी हो सकता है और क्या 1+4 भी हो सकता है, तो कौन सा वाला नंबरिंग ज़्यादा है वो नहीं लेना आपको, 1+3, 4 है, 1+4, 5 है, तो ये वाला लोगे ना 1 और 3, तो नंबरिंग उस वैसे करना है आपको लोएस्ट लोकन रूल के हिसाब से, 1, 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या है ये 1, 3 डाई मिथाइल, आगे बोलिए साइक्लो ब्यूटेन, ये एक ही लाइन में लिखना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। अब ये बताइए, ये मैं नीचे ही लिख देती हूँ, अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरीके से उल्टा भी करके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो हाँ नंबरिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करना, और वो वाले सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करना जिसका सबसे पहले, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो पहले देखो कि उसको नंबरिंग वहाँ से दो जहाँ से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1 फर्स्ट नंबर आपको ना इथाइल को देना था, एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ठीक है,
फर्स्ट नंबर इथाइल को देना आपको, क्योंकि इथाइल जो है, मिथाइल से पहले आता ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 1, 2, 3, 4, 5 वापस से बना लेते हैं, ठीक है, वापस से बना लेते हैं। अगर ये हमारा इथाइल यहाँ पे है, समझो CH2CH3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इथाइल को, CH2CH3। ये क्या है? अच्छा, ये इथाइल नहीं था, ये CH2CH2CH3 है ना, ये इथाइल ग्रुप नहीं है, ये है क्या? यहाँ कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे आप लोग? ये भी प्रोपाइल हो गया ना, मैं तो आप तो मिथाइल को ही ABCDEFGHIJK LMNOP, तो उस हिसाब से तो मैंने नहीं सही नंबरिंग की थी, अगर ये प्रोपाइल है ना, क्योंकि वन अब तो वही होगा। अब बोलो नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5+1 ज़्यादा होता है 1+3 से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1-methyl-3-propyl, प्रोपाइल ग्रुप है ना ये पूरा ग्रुप, कौन सा है, प्रोपाइल है ना ये पूरा ग्रुप, 3-propyl। आगे बताइए, साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये वाला खुद से ट्राई करिए, अभी ये वाला खुद से ट्राई करिए, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी एच से, क्योंकि ना 1, 2, 3, 4, 5 है ना, अब 5 और अब यहाँ से भी उल्टा भी करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5 तो एक होगा 1+5 और एक होगा 1+2, तो ऑब्वियसली 1+2 ही लोगे अपना, 1+5 भी हो सकता है नंबरिंग, और 1+2 लोवेस्ट रोकन रूल के हिसाब से तुम कौन सा वाला लोगे, ये वाला कि ये वाला लोगे ना, तो 1, 1 और 2 तो 1 पे इथाइल है, 1 इथाइल, फिर 2 पे क्या है, समझ में आया, अल्फाबेटिकली मैंने वो भी ध्यान दिया, नंबरिंग और लोवेस्ट लोकल रूल भी मैंने नंबरिंग पे दिया, 1-methyl-2-ethyl। आगे बताइए, 1-ethyl-2-methyl सही तो है, 1-ethyl-2-methyl। आगे बताइए, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन नहीं है, क्या है ये, पेंटेन है, पेंट है ना, 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 साइक्लो पेंटेन। आगे बताइए, इसकी नोमेनक्लेचर करिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही 2 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 कार्बन है, तो हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 1+3 भी हो सकती है नंबरिंग, और उल्टा जाएंगे तो 1+5 भी हो सकता है, तो हम 1+3 लेंगे है ना, ये वाली यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो क्या होगा, 3-ethyl, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, 3-ethyl। आगे बताइए, 1,1-dimethyl, क्या, 1,1-dimethyl, डी कैपिटल रख दो, डाइमिथाइल क्या, ये पूरा क्या है, ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो क्या, साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन हुआ, करेक्ट, डन 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 आर्डन डन। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट रूल है, इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्काइल ग्रुप, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्यों है, कि ये जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन मेन ग्रुप से ज़्यादा है, देखो ना, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, और मेन ग्रुप में जो साइक्लो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, तो 3 ही है, तो तब ये मेन ग्रुप बन जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, समझे, यही चीज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी यही रूल है, ओके, अल्काइल ग्रुप अटैच टू अ सब्स्टिट्यूएंट देन इट इज़ नेम्ड एज एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोअल्केन, बट इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग देन इट इज़ नेम्ड एज साइक्लोअल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अल्के। फॉर एग्जाम्पल देखे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी का पहला मैं बताती हूँ, इस एग्जाम्पल में क्या नोटिस कर रहे हो आप लोग, ये कार्बन ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4 ये कार्बन देखो 1, 2, 3 ही है, तो मेन ग्रुप का जो जो साइक्लोपेन साइक्लोप्रोपेन है मतलब से ज़्यादा हमारा सब्स्टिट्यूएंट का, अब ये मेन हम बना देंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, या इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, और कौन सी पोजीशन पे है, नंबरिंग इसको देंगे, नंबरिंग किसको देना हमें,
इसको देना है क्योंकि इसको नंबरिंग देना है. क्या बोलोगे अब इसको? वन, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना, वन साइक्लोप्रोपाइल. अब देखो उल्टा, गेम उल्टा हो गया. वन साइक्लो, साइक्लो तो साइक्लो सी इधर आएगा. वन साइक्लोप्रोपाइल, देखो साइक्लोप्रोपाइल है. अब इसको आई सब्स्टिट्यूट को हम आई ही लगाते हैं ना. अब प्रॉप है, तीन कार्बन है कि प्रोपेन और सब्स्टिट्यूट बन गया ये. तो ये पहले ये मेन था, अब ये सब्स्टिट्यूट इसलिए बना क्योंकि इसकी कार्बन चेन ज़्यादा है. तो प्रोपाइल, अब मेन वाला क्या है? ब्यूटेन. समझ में आया कैसे खेल बदल जाता है? गेम बदलता है तो रूल भी बदलता है, और रूल बदलता है इसलिए गेम बदलता है. तो इसलिए रूल भी याद रखो वरना सम गलत करके आओगे. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो देखो मेन कार्बन ही ज़्यादा, जो मेन साइक्लो वाला ही, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5. अब ये हमारा मेन, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये एक ही कार्बन है. तो यहाँ पे हम नाम नहीं बदलेंगे, इसको हम क्या रखेंगे? इसको हम इसी को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, लेकिन इसको हमने मेन बनाया था. और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्यों है? ये सब्स्टिट्यूएंट है. और ये मेन क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अलग हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं. तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बनेगा अभी? वन मिथाइल, जल्दी बताइए. वन ना भी लिखो, अंडरस्टूड है क्योंकि एक ही ग्रुप है. तो मिथाइल साइक्लो, मिथाइल साइक्लो. समझ में आया? कब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है मेन ग्रुप? जब हमारा ये चीज़, ये रूल जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी है और ये रूल एरोमेटिक कंपाउंड में भी है. बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट तब बन जाता है. अब्बा के पास है, आगे बताओ कैसे. इफ द साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप. हाँ, ये रूल एरोमेटिक में भी आता है. अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो भैया फिर उसी का पल्ला भारी, साइड चेन फिर भारी मेन चेन पे, मेन एलिसाइक्लिक रिंग पे. इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. तो कब कब वो सब्स्टिट्यूएंट एलिसाइक्लिक रिंग इज कंसिडर सब्स्टिट्यूएंट? व्हेन उसका नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट से कम हो और उस सब्स्टिट्यूएंट में फंक्शनल ग्रुप की एंट्री मारी हो. ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ने मारी एंट्री एलिसाइक्लिक रिंग में, बजी घंटी कि भैया अब हम सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा. तो इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताइए? इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4. तो थर्ड पोजीशन पे साइक्लो है, थ्री साइक्लो हेक्साइल. हेक्सेन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? थ्री साइक्लो हेक्साइल. अब ये मेन चेन क्या है हमारा? चार कार्बन का है, तो ब्यूटीन, और सेकंड पोजीशन पे ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल. ब्यूटेन का ई हटाओ, टू ऑल लगाओ, ठीक है. इसका बताओ, इसका क्या होगा? अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इधर भी तीन है उधर भी तीन है, अब क्या लिखोगे? तो इसी को तुम वैल्यू दोगे, इसी को वैल्यू दो, ये अब सब्स्टिट्यूट नहीं बनेगा. इसका नाम क्या है? क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल पहले लिखोगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखोगे. साइक्लोप्रोपाइल कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट ही पोजीशन पे लिख गया, 1 2 3. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, ध्यान दो, डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए ये मेन चेन हो जाएगा. ये मेन चेन नहीं होगा, यही मेन चेन, क्योंकि डबल बॉन्ड इज कंसिडर एज फंक्शनल ग्रुप ना. तो ये साइक्लोप्रोपाइल इसका फर्स्ट पोजीशन पे होगा. वन साइक्लोप्रोपाइल. और ये क्या है? वन साइक्लोप्रोपाइल. आगे बताइए, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, जल्दी बताइए नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? पहले तो नंबरिंग बताइए आप लोग. नंबरिंग डबल बॉन्ड की इस तरफ से शुरू है. अब बताइए, थ्री साइक्लोप्रोपाइल ये मेन चेन हुआ ना हमारा, ये सब्स्टिट्यूएंट थ्री साइक्लोप्रोपाइल. और ये मेन चेन क्या है हमारा, जल्दी बताइए? प्रॉप वन इज क्या है? अब ये वाला सम बताइए. अब यही मेन चेन हुआ, ये मेन चेन हुआ, मेन चेन की नंबरिंग करो, यहाँ से शुरू हो गई 1 2 3 4, क्योंकि कीटोन का पल्ला डबल बॉन्ड से ज़्यादा है प्रायोरिटी सीरीज में. तो ये क्या होगा? नाम बताइए इसका क्या होगा? ये मेन चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ साइक्लोहेक्साइल है ना, कौन से पोजीशन पे है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हमारा?
जल्दी बताओ, फोर्थ पोजीशन पे ना, फोर साइक्लोहेक्साइल, बोलो फोर, फोर्थ पोजीशन पे ना साइक्लोहेक्साइल, और ये क्या है, मैथ है प्रॉक ब्यूट, है ना, तो ब्यूट थ्री इन वन ओन, ब्यूट थ्री इन वन ओन। स्टूडेंट, मैंने इसीलिए इसको यहाँ तक कंटिन्यू किया क्योंकि नीचे लिखेंगे तो समझ में ना आता, ठीक है, समझ में आया। अब ये वाले सम्स कुछ ट्राई करो आप लोग, ओके, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो ये सम्स। सबसे वाला क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो वो बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करो बेंजीन। अच्छा, ये मैंने स्टूडेंट तुम लोग को पढ़ाया नहीं ना बेंजीन रिंग, लेकिन बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप हो तो उसको, चलो बेंजीन रिंग की मैं एंट्री देती हूँ आप लोगों को, लाओ एरोमेटिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। द टर्म एरोमेटिक हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा विच मीन्स स्वीट स्मेलिंग। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, तो ये इस कैटेगरी के जो भी कंपाउंड्स थे दे वर डिस्कवर्ड अर्लियर एंड दे वर स्मेलिंग प्लेजेंट, सो देफो उनको नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड। नाउअडेज द टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट दोज कंपाउंड विच मे बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग ऑल्सो, उनको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं जो भी बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव होते हैं। नाउ व्हाट इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि कैसे दिखता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेंजीन रिंग दिखता कैसे कैसे दिखता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, यही तो मैंने क्राइटेरिया बताया था ना कि बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए। तो तीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जहाँ हो जा कॉन्जुगेशन वहाँ होगा रेजोनेंस, तो यहाँ रेजोनेंस भी होता है ना। कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर आपको देखना है तो आप लोग मेरा ऑर्गेनिक में मैंने कॉन्जुगेशन पढ़ाया है। कॉन्जुगेशन बेसिकली डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव तब भी पाए सिग्मा पॉजिटिव, पाए सिग्मा लोन पेयर है, पाए सिग्मा नेगेटिव, तो इस टाइप के जब कॉन्जुगेशन होते हैं वहाँ पे रेजोनेंस होता है। वहाँ पे जहाँ होगा कॉन्जुगेशन, जहाँ होगा कॉन्जुगेशन वहाँ होगा रेजोनेंस, वहाँ होगा रेजोनेंस। तो बेंजीन रिंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये डबल बॉन्ड इधर भी कभी जाता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है ना, इसीलिए बेंजीन रिंग का दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे ये पूरा जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है ना, पहले बॉन्ड को सिग्मा बोलते दूसरे पाई, तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड जो है वो घूमते रहते पूरे रिंग में, तो इसी को हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, बेंजीन रिंग समझ में आया, ओके। तो जब बेंजीन रिंग एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं एक ही बेंजीन रिंग हो तो ही उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोले, एक हो या एक से ज्यादा। तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, तो पेरेंट कौन है, माँ ये है, माँ बाप ये है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकता है, जैसे कि बेंजीन रिंग पे हमने अगर CH3 लगाया तो इसको हम टोलुइन बोलते हैं, इसको तो नेफ्थलीन बोलते हैं, इसको टोलुइन बोलते हैं, ये आप लोगों को नॉमेनक्लेचर अभी मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कह सकते हैं दे आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दे कैन बी डाई सब्स्टिट्यूटेड और दे कैन बी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा जैसे कि टोलुइन है ना, एग्जांपल जैसे है, एग्जांपल मैं दे रही हूँ टोलुइन का। अब इसके कॉमन नेम बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोग को, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन मैम डाई सब्स्टिट्यूटेड कैसे होगा, बेंजीन रिंग पे अगर मिथाइल ग्रुप हो तो उसको हम टोलुइन बोलते हैं। अगर मैम इसका IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप बताइए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है ना, वन मिथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे, बेंजीन, और दूसरा नाम कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, ठीक है, टोलुइन, फिर से लगा लो, और डाई
सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं, जो एक ही बेंजीन रिंग पे दो कंपाउंड लगे होते हैं, जैसे कि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। एग्जांपल बताइए, जैसे समझो मैंने CH3 यहाँ लगाया है और CH3 यहाँ लगा दिया, समझो मैंने CH3। अब मैम कैसे होगा इसका, देखो IUPAC नेमिंग तो आसान है। आप कहोगे मैम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, क्या लिखोगे? अब बस सीखो जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका कॉमन नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन नेम क्या होगा इसका? इसको लर्न करना नहीं की भी उतनी जरूरत नहीं, याद रखना जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप से जो उसके बगल वाले कार्बन है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पे मेन फंक्शनल OH लगा है तो उसके हिसाब से ये वाला पोजीशन हम कहेंगे ऑर्थो, इस वाले पोजीशन को हम कहेंगे मेटा और इस वाले पोजीशन को हम कहेंगे पैरा। तो जस्ट फंक्शनल ग्रुप के ऑर्थो मेटा पैरा ओम प्रकाश याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है? तो ऑर्थो पोजीशन जस्ट बगल वाला फंक्शनल ग्रुप के, तो ये कौन से पोजीशन पे है? अगर फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से ये वाले कौन से पोजीशन पे है? ऑर्थो टोलुइन, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना? ऑर्थो टोलुइन और क्या बोल सकते हैं अब इसको, लेकिन इसका कॉमन नेम पर्टिकुलरली इन्होंने ऑर्थो ज़ाइलिन दिया है, दो मिथाइल के लिए ऑर्थो ज़ाइलिन लिया, लेकिन ऑर्थो इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है? ऑर्थो पोजीशन समझ में आया? ओ ऐसे लिख दो, टीटा मत लिख देना, ऑर्थो लिख दो। अच्छा मैम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा तब क्या करेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है जैसे कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है CH3 CH3 CH3। नाम बताइए इसका क्या, कॉमन नेम बताइए। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये सुनो, 1,4 डाइमिथाइल नहीं होगा, 1,2,3 1,2,3 ट्राई होगा, ये ट्राई है ना, डाई नहीं है, डाई होता तब भी कर लेते हो आप लोग, 1,2,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अच्छा बताओ इसका वो क्या होगा, IUPAC नेम, IUPAC नहीं कॉमन नेम। अच्छा कॉमन नेम के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, हम ना विस और डाई भी यूज़ करते हैं, विसिनल मैंने कहा था, विसिनल तब यूज़ करते हैं जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगल बगल हो, वो चाहे हम बेंजीन रिंग पे भी या नॉर्मल कंपाउंड पे भी। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 है, यहाँ पे अगर हमने CL लगा दिया है ना CH, और यहाँ पे मैंने समझो CL लगाया और यहाँ पे मैंने CH3, तो ये क्या है? विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स, हैलाइड्स है ना, लेकिन एक ही कार्बन पे मैंने लगा दिया सी और दोनों तरफ मैंने CL और CL लगाया CH2 CH3। अब मुझे बताइए क्या होगा, ये जेमिनल डाइहैलाइड होगा। तो दो टर्न आपने सीखा है, विसिनल और जिमाइनल। विसिनल कब लगाओगे? जब एक कार्बन के, अरे विसिनिटी नहीं, नेबरहुड, अगल बगल कार्बन लगे। और जिमाइनल जब एक ही कार्बन पे दो लगे, तो वही चीज़ हम इसमें भी काम आता है विसिनल, 1,2,3 डायरेवेट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, विसिनल के लिए शॉर्ट फॉर्म है विस और जिमाइनल के लिए शॉर्ट फॉर्म है जेम। तो विसिनल और जिमाइनल ये वाले टर्म्स याद रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स करते हैं, और सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए ना कि पर्टिकुलर कंपाउंड बेंजीन रिंग है भी कि नहीं है। कैसे पता करोगे? तो पता करने के लिए एरोमेटिक कैरेक्टर, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, बेंजीन का दिए, साइक्लोपेंटेन का दिए, पेंटेन डाइइनाइल एनायन और साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई कितने हैं यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बता दो मुझे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंट करिए। ये वाला एग्जांपल कहाँ से लिया, नेक्स्ट वाले स्लाइड से। सो एज आई सेड कि एरोमेटिसिटी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका क्राइटेरिया डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है फॉर एरोमेटिसिटी? अब हम कैसे पहचाने कि पर्टिकुलर रिंग बेंजीन रिंग है? डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है लोकल की तरह, एक लोकल इंसान क्या करता रहता है, घूमता रहता है अपने एरिया में, मिलेगा नहीं आपको हाथ में, इसीलिए उसी तरह वो चार्ज भी बेंजीन रिंग पे है,
चार्ज भी कभी इधर घूमता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, इसलिए ये जो डॉट डॉट क्या बता रहे हैं कि चार्ज घूम रहा है, इसीलिए इसको हम रिंगी बना के छोड़ देते हैं, है ना। सेकेंड प्लेनैरिटी यानी कि एक प्लेन में आपको मिलेगा। थर्ड रूल बहुत ज़रूरी है कि इट विल फॉलो द हक्कल रूल। व्हाट इज दैट हक्कल रूल? हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल हमें अक्कल देता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड बेंजीन रिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो रूल है 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिसिटी द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर साइक्लिक सिस्टम डीलोकलाइज 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि जो कोई भी कंपाउंड हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो वो एरोमेटिक है ना। कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड का हम क्या कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक है तो वो हक्कल रूल फॉलो करेगा। वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। और एक और हम थर्ड वाला वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड बेसिकली तो ये रूल हम चलो वन बाय वन फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। जैसे अगर नंबर जीरो है, n जीरो है, तो यहाँ पे डाल के देखो 4 इंटू क्या होगा n जीरो प्लस 2 पाई, ओके, और कार्बन्स तो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो अगर 4 जीरो से जीरो है प्लस 2 पाई है ना, तो क्या होगा 2 पाई कार्बन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। ये क्या बता रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, और दैट शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें बता रहा है ना वो। तो यहाँ पे क्या है, ये सी एस है, ई एस है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, इसीलिए तो ई एस लिखा है ना। तो एन अगर वन है तो फॉर्मूला में रखे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, है ना। एन टू है तो क्या क्या बताएगा, अरे कैलकुलेट करके देखिए ना, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4, अगर n तुम्हारा क्या है 3 है, चलो मैं 2 ही ले लेती हूँ, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिलेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितने मिले 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। तो इस तरह हम हर बेंजीन रिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, हर बेंजीन रिंग के, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट। अब याद रखना, जब भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी n इज इक्वल जीरो तो 1 डबल बॉन्ड होगा, n इज इक्वल टू 1 तो 3 डबल बॉन्ड होंगे, लॉजिक है ना। अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बता रहा है ना, n जीरो है लेकिन एक डबल, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल, n इज इक्वल टू 1 3 डबल बॉन्ड बता रहा है। तो यानी कि 3 डबल बॉन्ड यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6 मतलब 3 डबल बॉन्ड है ना, 6 मतलब 3 डबल बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब उसका आधा करो 5 डबल बॉन्ड, 2 मतलब 2 बाबा 1 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 डबल बॉन्ड, अब सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 डबल बॉन्ड, आपको हर चीज़ को आधा करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 डबल बॉन्ड होगा, 3 डबल बॉन्ड कब होगा जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 डबल बॉन्ड होंगे, 7 डबल बॉन्ड होगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आंसर होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए 0 1 2 3 4, तभी वो हक्कल रूल अग्री करेगा, ओके। हक्कल रूल तब एग्री करेगा जब वो क्या कहते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिया गया है ना, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन डायनाइल और साइक्लो ये सब इन्होंने दिया है, इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है कि नॉन एरो, यह हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी हमें प्रेडिक्शन करने के लिए आना चाहिए। ऑल द अबाव सिस्टम है व्हाट 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर एरोमेटिक, है ना, इन सब में दे आर एरोमेटिक, ओके। बट इफ आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नेफ्थलीन, दे हैव 10, 14 and 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दिस 3 आर ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि नंबर देखो ना, मैंने अभी तो तुम्हें बताया था क्या नंबरिंग होनी चाहिए उसकी, 2, 6, 10 है ना कैलकुलेशन। तो हक्कल रूल बेसिकली प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो नहीं है, ये बताइए
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है, ये बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है, ये बताइए। वन टू थ्री फोर, फोर तो नहीं है ना, ये बताइए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है, ये बताइए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, हकल रूल फॉलो कर रहा है बताइए, नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। अब आगे हकल रूल डेफो इज व्हाट, अगेन आई एम डिफाइनिंग हकल रूल, साइक्लिक प्लेनर एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो दे हैव फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन मैंने बताया था तुम्हें क्या क्या होता है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉल, ये कॉन्जुगेशन में होगा तो पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं था, जबकि छः छः था, यहाँ पे भी छः थे, तुम्हें कहना चाहिए मैम यहाँ भी तो छः इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये क्यों नहीं एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन भी देखना चाहिए ना, कॉन्जुगेशन में नहीं है तब भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। प्लेनर वाला भूल जाओ, प्लेनर वाला तो वो एक टीचर ही बता सकती कि वो प्लेन में है कि नहीं, ये सब प्लेन में है। लेकिन दो रूल याद करिए, एक हकल रूल, अगर हकल रूल भी देखना है और कॉन्जुगेशन भी देखना है, ये तो कॉन्जुगेशन में भी तो होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में नहीं था, तो दोनों चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। इसीलिए जब मैं कह रही थी एक कंपाउंड होता है एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। वॉट इज दिस एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक अगर आपको पता करना है जो एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक प्लेनर एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, ये भी कॉन्जुगेटेड होता है, ये भी कॉन्जुगेटेड होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला ओनली फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या आता है? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एन विल बी इक्वल टू, एन इज इक्वल टू जीरो वन टू एन थ्री, समझ में आया? ओके, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कैलकुलेशन तो डिफर करेगा ना, क्या कैसे कैलकुलेशन डिफर करेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाइए आप लोग, इसका फॉर्मूला में डाल के दिखाइए। 4n ये कॉन्जुगेशन में है, क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के हिसाब से तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, ये रूल भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नॉन एरोमेटिक। कैसे पता चलेगा नहीं है या है? 4n पाई चेक करो, n इज इक्वल टू क्या है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ, 4 वन जा 4, 4 इंटू वन पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बताइए, यहाँ पे बताइए क्या होगा, 4n कितने हैं, तो कितना हुआ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हुए, 4 टू जा 8 ना, 4 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सो साइक्लिक प्लेनर एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड विच हैव 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इज नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं मैम? फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होंगे जो दोनों रूल फॉलो नहीं करते, जो दोनों नहीं है वो नॉन है, जैसे कि ये वाला नॉन एरोमेटिक आप ये ले सकते हो, जो कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, जो मतलब डबल बॉन्ड या नॉर्मल जो स्ट्रेट चेंज कंपाउंड है CH3CH, ये वाले सब, ये सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ना वो एरोमेटिक है, ना वो नॉन एरोमेटिक है, ना वो एंटी एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक है। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, ओके, एंड दे एक्सेप्शनली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल हैं, इसीलिए दे आर वेरी रिएक्ट, मतलब वो रिएक्टिव उतने नहीं होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। ऑब्वियसली जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिक रिंग्स जो होता है वो उनको एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी देता है, मेकिंग एरोमेटिक कंपाउंड रेजिस्टेंट टू केमिकल रिएक्शन। दिस स्टेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बट वॉट अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ओके, एंड एनी डिविएशन फ्रॉम दिस कैरियर, मतलब जो उनका जो भी डिविएशन है इससे,
तो हमें चेक करना है कि वो एंटी एरोमेटिक में फॉल कर रहा है या ना एरोमेटिक में. जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करा रही हूँ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, तो आप लोगों को इसको जज करना आना चाहिए. ये आप जज करके बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक. पहला वाला क्या होगा, देखो कॉन्जुगेशन भी है और 6π इलेक्ट्रॉन्स भी है, यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 6π इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मैम क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है. हक्कल रूल फॉलो करके ये क्या बता रहा है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बेंजीन रिंग ही है, राइट. और ये हमारा बेंजीन रिंग ही है. और सेकेंड वाला देखिए, बेंजीन रिंग है ही नहीं मैम, ओके 4π इलेक्ट्रॉन्स है और देखो इट्स नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे भी ये नॉन एरोमेटिक है. और बताइए तो नेक्स्ट वाला मैं टिक और क्रॉस मार्क करती हूँ जिससे आप लोगों को पता चले. तो ये वाला तो एरोमेटिक है, ये वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है. इसको क्या कहेंगे आप, एंटी एरोमेटिक. आप लोग को फॉर्मूला में डाल के चेक करना होगा. तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन है और यहाँ पे ये एरोमेटिक है. क्योंकि देखो पहले वाले केस में कॉन्जुगेशन है, दूसरे वाले केस में क्या क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन इट्स नॉट फॉलोइंग द हक्कल रूल. हक्कल रूल क्या है, हक्कल रूल हमारा क्या है, 4n हमारे इंटीजर्स क्या होना चाहिए हक्कल रूल के लिए, जल्दी 4n प्लस 2π इलेक्ट्रॉन. तो 2π है इसमें, 4 प्लस n 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर n इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे. हाँ स्टूडेंट्स फोकस हो गया. जब भी एरोमेटिक एंटा एरोमेटिक आएगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला में n 0 डाल के देखो, 0 होगा तो 4 0 0 प्लस 2 कितना हुआ, 4 प्लस 2 6π इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. 4 0 0 हाँ 2π इलेक्ट्रॉन. यानी कि एरोमेटिक के लिए ये ट्रिक है कि 2 6 10 एरोमेटिक के कंडीशन में आता है, 4 8 12 क्योंकि हमें पता है 4n π इलेक्ट्रॉन. तो 4 की जगह 0 डालो तो स्टार्टिंग ही इसका कहाँ से शुरू होता है, 4 0 0 0 ओके. इसका स्टार्टिंग हमारा 0 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 4 हो सकता है. तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसकी जो 2 6 10 याद रखना, या 4 8 12 होगा तो वो एंटा एरोमेटिक. तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन दोनों में होगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर वो क्या नॉन एरोमेटिक. जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ही नहीं, डबल बॉन्ड सिग्मा ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड समझो यहाँ है, तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं ना, तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ. ये एंटा एरोमेटिक क्योंकि कॉन्जुगेशन तो है डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 मतलब मैंने क्या कहा था, एंटा एरोमेटिक. फिर यहाँ देखिए ये भी, ये तो नॉन एरोमेटिक हुआ, हाँ एंटाई नहीं है ये नॉन एरोमेटिक. नॉन क्यों, नॉन इसलिए क्योंकि देखिए कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं तो खत्म नॉन एरोमेटिक. तो उसमें और जज हक्कल रूल और ये रूल सब देखने की ज़रूरत नहीं. और यहाँ पे देखिए पाए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है ना पाए, तो कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन है और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि एरोमेटिक. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला देखिए कंटिन्यू. यहाँ पे बताइए, अब ट्रिक तो मैंने दे दिया ना, अगेन मैं ट्रिक बता रही हूँ एरोमेटिक के लिए. देखो जीरो की वैल्यू तो मैं काउंट नहीं करती हूँ, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए. कॉन्जुगेशन दोनों में नहीं चाहिए, एरोमेटिक और एंटा एरोमेटिक में. बस इसमें याद रखना ये हक्कल रूल फॉलो करता है, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स, और ये हक्कल रूल नहीं, 4n π इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी शुरुआत 0 2 6 10 14 होगा, इसका 0 4 8 12 16 होगा. तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, पहले तो देखो कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है यहाँ पे, ये वाले केस में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, पाए और ये भी पाए है,
नहीं बोलना नहीं है पहले, तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे डिटरमाइन करना है आपको वेदर इट इज इन कॉन्जुगेशन और नॉट. सो यू हैव टू जस्ट चेक पाई सिग्मा पाई. ठीक है, पाई सिग्मा पाई यानी कि 1 2 3 4 कॉन्जुगेशन तो है लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स है. 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एंटा एरोमेटिक, 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एंटा एरोमेटिक. ठीक है, अगेन ये चेक करिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी था क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन था, लेकिन क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4n पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो ये एंटा एरोमेटिक है. ये बताइए एरोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये एरोमेटिक है क्या एंटा एरोमेटिक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. मतलब पता है ना आप लोगों को, पहले तो सिग्मा और पाई का डिफरेंस पता करिए. जो पहला वाला बॉन्ड होता है सिग्मा डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके 2 इसके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मैंने क्या कहा था, मैंने ट्रिक बताया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स देखते साथ ही आप लोगों को पता करना है कि एरोमेटिक है कि एंटा एरोमेटिक है. तो यहाँ पे ये एंटा एरोमेटिक हुआ ना. अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो है क्योंकि ये बेंजीन रिंग है. कितने बॉन्ड्स हुए यहाँ पे? ये तो देख के पता चल रहा है 2 बेंजीन रिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पक्का पता है हमें कि वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है. तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है कि नहीं? 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड के है ना, और ये लोन पेयर के 1 2 3 4 है ना, ये भी एरोमेटिक है. और यहाँ बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटा एरोमेटिक है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर, तो ये भी एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और कॉन्जुगेशन भी है. तो क्लियर है एरोमेटिक और एंटा एरोमेटिक. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आप लोग का एरोमेटिसिटी वाला लेक्चर पार्ट खत्म हो जाता है. नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्लीवेज क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लीवेज यानी कि कोई भी बॉन्ड टूटने के लिए, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के जो टूटता है तो उसको हम क्लीवेज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लीवेज. तो यहाँ पे क्लीवेज जो है 2 टाइप के होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज और हिट्रोलिटिक है, होमोलिटिक क्लीवेज. तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिजन. अच्छा, 2 टाइप के, हिट्रोलिप्टिक भी होते हैं. हिट्रोलिटिक इधर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो होमो और हिट्रोलिटिक होता है, होमो में सेम वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में क्लीवेज होता है. मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज ईच फ्रेगमेंट फॉर्ड एज द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था. जब ये ब्रेकडाउन होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये निकलेगा. तो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज विद ऑड पेयर और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो ना ऑड पेयर है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पेयरिंग तो है ही नहीं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इस टाइप के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? होमोलिटिक. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी एक एक्स और वाई कंपाउंड के बीच में क्लीवेज हुआ, 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे थे, फिर उनमें दरार पड़ गई, एक्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, वाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके पतली गली से निकल गया. उसी तरह क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो आप लोग, Cl2 होता है, इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है. क्यों? क्योंकि देखो होमो मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच, सेम वाला का एलिमेंट है, दोनों क्लोरीन है ना, और दोनों के बीच में दरार पड़ी, Cl और Cl के बीच में दरार पड़ी, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, Cl डॉट बन के ये रेडिकल फॉर्म हुआ. दिस इज इट्स रेडिकल फॉर्म. डॉट मतलब रेडिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन है लेकिन पेड नहीं है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज इज फेवर्ड बाय कंडीशन सच एज नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड. सेकेंडली वाई नॉन पोलर नेचर? बिकॉज क्लोरीन में दोनों क्लोरीन है तो पोलैरिटी आएगी कैसे? किसी का भी पल्ला भारी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ पोलर कंपाउंड. वाई? बिकॉज हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स अ पोलर कंपाउंड. तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ झुकेगा, लेकिन दोनों ही क्लोरीन है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड है Cl2 की तरह,
तब अगर उस सीएलटी को हम ब्रेक करेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और क्योंकि दोनों कह रहे हैं मैं शक्तिशाली हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा एक उसने खींचा और रेडिकल फॉर्म हो गया। तो या तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी कि यहाँ पे एच न्यू होना ज़रूरी है। इसीलिए जब आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बेसिकली वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये आप 12th में पढ़ोगे। नेक्स्ट है हिड्रोलिटिक क्लीवेज। तो इन दिस टाइप उसका ऑपोजिट होगा बस, जैसे कि HCl के बीच में बॉन्ड है, या इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। एक लेके भाग जाता है, जैसे HCl Cl लेके भागेगा, H इतना शक्तिशाली नहीं कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है। सो वन तो वो क्या हो जाएगा, जैसे HCl में मैंने कहा दोनों इलेक्ट्रॉन फिर Cl लेके भागेगा ऐसे, समझे। तो एक के पास Cl के पास इलेक्ट्रॉन पैड होगा और दूसरा वाला बेचारा कुछ नहीं, खाली हाथ रह जाएगा। H प्लस और क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। इस तरीके से इनका हो हिड्रोलिटिक क्लीवेज। हिड्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पीशीज। यहाँ पे चार्ज हुआ ना, ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, यहाँ पे चार्ज नहीं था, दोनों के पास एक एक डॉट था, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन था। सो हिड्रोलिटिक क्लीवेज इज फेवर्ड बाय द कंडीशन सच एज पोलर नेचर, पोलैरिटी होनी चाहिए कंपाउंड में, एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो पोलैरिटी किस में होती है, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, इस टाइप के कंपाउंड में, ठीक है। देन मूविंग फर्दर विल गो टू अटैकिंग रिएजेंट्स। व्हाट आर दिस अटैकिंग रिएजेंट्स, द स्पीशीज विच अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट एंड अ फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। व्हाट डज इट मीन, कोई भी केमिस्ट्री में याद रखो स्टूडेंट्स, ये याद रखो कि हम जब केमिस्ट्री का एक रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो जो टाइप जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे एक एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है अटैकिंग रिएजेंट, ऑब्वियसली ना रिएक्शन कब होगा, जब तक तुम चुपचाप बैठी हो, तुम्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, तुम चुपचाप बैठोगे। जैसे ही तुम्हें किसी ने आके घुसा मारा, चुप बैठोगे नहीं, फिर तुम अटैक करोगे ना, काउंटर अटैक करोगे। वही तो बात हुई, सबस्ट्रेट तब तक सबस्ट्रेट रहेगा जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट आके उसको छेड़े ना। तो वही होता है केमिस्ट्री में, रिएक्शन मैकेनिज्म तब होता है जब सबस्ट्रेट से कोई एक अटैकिंग रिएजेंट आके उस पर अटैक करे और फाइनली एक प्रोडक्ट बने। तो जो मेन मॉलिक्यूल होता है उसको हम सब्सट्रेट बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे रिएक्शन होगा, ओके। और अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, जो अटैक करेगा। अब ये अटैकिंग रिएजेंट तीन टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो वाला पार्ट समझो कि सब्सट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स अस द प्रोडक्ट, गिव्स अस द प्रोडक्ट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली रिएजेंट्स, यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, थ्री टाइप्स है, लेकिन उन्होंने टू लिखा है क्योंकि इन दोनों पे ज़्यादा फोकस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। नाउ व्हाट इज इट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन लवर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स अ व्हाट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो कौन इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, जो खुद पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए पॉजिटिव चार्ज का, H प्लस है ना, एग्जांपल बताइए, यहीं पे लिख दो H प्लस, और बताइए Cl प्लस, Br प्लस, और बताइए NH3 प्लस। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, दीज आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया, H3O+ है ना, और H+, Cl-, यहाँ एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। सो दीज आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विच आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए वो उनके साथ आके अटैक करते हैं और एक रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। सो दिस स्पीशीज एक्ट एज लुइस एसिड, दे आर लुइस एसिड। व्हाई, बिकॉज व्हाई दे एक्ट एज लुइस एसिड, बिकॉज उनके पास वैकेंट और वाइटल्स है, इसीलिए लुइस एसिड। आई होप आप लोगों को पता है क्या होता है, नहीं पता है तो पता करो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे भी दिया गया है, बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो, NO2+, X+, R+, यू नो मिथाइल वाले ग्रुप जो प्लस है, मतलब जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो बेसिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे, है ना, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, उनके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन।
और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन वो होंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जैसे कि लुईस एसिड BF3, AlCl3, ZnCl3 ये सब। और न्यूट्रल कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज प्रेजेंट, देयर आर मोर एग्जांपल्स गिवन हियर, अदर देन दैट यू हैव फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स एंड नाइट्रीन, दे ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू नो। नाउ व्हाट अबाउट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को हम NUC ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब क्या, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल्स मतलब लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब अदर देन, मतलब क्या, पॉजिटिव लविंग। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद नेगेटिव होते हैं, इसीलिए वो किस पे अटैक करते हैं, पॉजिटिव वाले स्पीशीज पे अटैक करते हैं। ओके, दे आर नेगेटिवली चार्ज आयन्स और पोजेस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड्स आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, देन वो चीज़ें ज़्यादा सॉर्ट आउट होगी। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो Cl माइनस, आप लोग ले सकते हो H2O जिसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, और एग्जांपल बताइए न्यूक्लियोफाइल का NH3 जिसके ऊपर है ना, देन यू हैव RO। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिल, दे एक्ट लाइक लुईस बेसिस एंड दे अटैक द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। नाउ जस्ट वन टेबल लेफ्ट, नाउ लेट अस सी दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन अ टेबल फॉर्मेट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये सारे नोट कर लिए, सारे लुईस बेस भी लोन पेयर होते हैं उनके पास, लुईस बेस के पास, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो ये डिफरेंस यहाँ स्टूडेंट्स, ये फाइनल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एग्जांपल्स भी लिख देना लास्ट में, एग्जांपल्स दोनों का क्या लिखोगे आप लोग, एग्जांपल यहाँ पे Cl प्लस लिख दो, NH3 प्लस लिख दो, और H3O प्लस लिख दो, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स में एग्जांपल क्या लिखोगे, जो भी नेगेटिव स्पीशीज है, जैसे कि नेगेटिव स्पीशीज और ढूंढ किसको रहे हैं, पॉजिटिव को, तो यहाँ पे H2O लिख दो, यहाँ पे H3O प्लस लिख दो क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। और यहाँ पे बताइए और एग्जांपल बताइए, RNH2 देखो लोन पेयर है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल में Cl प्लस Br प्लस लिख लीजिए। तो बेसिकली दे आर लुईस एसिड, दे आर लुईस बेस, दे पोजेस एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, दे कैन रिसीव द, एंड लुईस बेस दे पोजेस एन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ लूजली यू नो बॉन्ड एंड कैन बी सप्लाइड इजीली। दे आर यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, they form an extra bond with nuclei, increase the covalency by 1 unit. So this is where your lecture ends, okay? With differences, free radicals में students, free radicals में मैंने अभी तो बताया था ना, chlorine और chlorine के बीच में जब split होता है तो एक एक radical बन जाता है, और उसका detail में हम next lecture में पढ़ेंगे। I hope you have understood this chapter. Do practice it. Thank you.